एक तरफ किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी जैसी मांगों को लेकर आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों के हित में नई योजना लागू की है, जो राज्य के 70 लाख किसानों के लिए संजीवनी के तौर पर देखी जा रही है। तो क्या है ये योजना और इससे किसान को कैसे होगा फायदा, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले किसानों का मुद्दा उठाया था। अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी देने का वादा किया था। कांग्रेस की केंद्र में सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां किसानों से किए वादों को पूरा किया जा रहा है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया और ये योजना लागू भी हो गई है। 18 जुलाई से किसानों के खाते में कर्ज माफी के पैसे आने शुरू हो गए हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए कृषि कर्ज को माफ किया जाएगा। कर्ज माफी के नियमों की बात करें तो एक किसान का 2 लाख रुपए तक का ही लोन माफ होगा। एक परिवार से एक सदस्य का ही कर्ज माफ किया जाएगा। सरकार कर्ज माफी योजना के क्रियान्वयन के लिए पोर्टल भी बनाएगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि 6.36 लाख किसान जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिन्होंने कृषि ऋण लिया है, वे भी कर्ज माफी का लाभ लेने के पात्र हैं। साथ ही अगस्त में ऋण माफी की ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। कांग्रेस सरकार के इस ऐलान से जहां किसानों में खुशी की लहर नजर आ रही है, तो वहीं विरोधी दलों के लिए इसे जोरदार झटके के तौर पर देखा जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।